व्याकरण शास्त्र के क्या प्रयोजन है, प्रारंभ में ही ये बात आ जाती, तो 5 प्रयोजन पहले गिनाए हैं, फिर बाद में 13 प्रयोजन और गिनाए हैं, कुल मिला के 18 प्रयोजन गिनाए हैं। ठीक, रक्षोहा आगम लघ्व संदेहा प्रयोजनानि, तो उसी को लिखा है एतच्च साक्षात प्रयोजनम। ये शब्दों का अनुवाख्यान करना, शब्दों के साधुत्व का ज्ञान कराना, ये तो व्याकरण शास्त्र का प्राथमिक प्रयोजन है, बिल्कुल साक्षात प्रयोजन है, अपरोक्ष प्रयोजन है। और पारंपर्येण तु वेद रक्षणादीनि प्रयोजनानि, परंपरा से वेदों का रक्षण करना आदि भी प्रयोजन है, जो कि भाष्याद अवधार्याणि, जो कहाँ से पता करने चाहिए हमें, भाष्य से जान लेने चाहिए। ठीक है, भाष्य से समझ लेने चाहिए। तो प्रयोजन बता दिया, अब आगे कहते हैं, देखिए संबंधस्तु साध्य साधन भाव लक्षण। संबंध क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में जो है 4 चीजों का प्रतिपादन आवश्यक समझा जाता है, प्रयोजन, अधिकारी, संबंध और विषय। ठीक है, प्रयोजन क्या है ग्रंथ का, उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, कौन उसको पढ़ने का अधिकारी है, और संबंध क्या है ग्रंथ का और उसके विषय का। तो प्राय करके जो है प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध ही होता है, ग्रंथ प्रतिपादक होता है, विषय उसके द्वारा प्रतिपाद्य होता है, और क्या रह गया, एक विषय। ठीक है, तो विषय माने प्रतिपाद्य, विषय जो भी ग्रंथ में कहा जाएगा, इन 4 बातों को कहना, समझाना ग्रंथ के प्रारंभ में आवश्यक होता है। तो प्रयोजन बता दिया, ठीक है, व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन। अब संबंध को कहते हैं, तो कहा संबंधस्तु साध्य साधन भाव लक्षण। संबंध है साध्य साधन भाव लक्षण संबंध, शब्द साध्य है और ये शास्त्र उनको सिद्ध करने का साधन है। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं कि शास्त्र जो है प्रतिपादक है और जो शब्द हैं वो उसके द्वारा प्रतिपाद्य हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रतिपादक प्रतिपाद्य भाव संबंध भी हर जगह कहा ही जा सकता है, या जो शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं वो भी कहे जा सकते हैं। क्या, साधन साध्य भाव लक्षण संबंध। पता चला कैसे, शब्द क्या है इस शास्त्र के द्वारा, साध्य है, ये शास्त्र स्वयं क्या है उनको सिद्ध करने के लिए साधन है। तो ग्रंथ में और प्रतिपाद्य विषय में परस्पर क्या संबंध हो गया, साधन साध्य भूत संबंध। ठीक है, देखिए आगे दिखा भी रहे हैं कि साध्य क्या है, साधन क्या है। शब्दानुशिष्टे है साध्यायाः, शब्दानुशिष्टि यहाँ साध्या है, शब्दानुशिष्टि स्त्रीलिंग शब्द दिखा रहे हैं ना, तो इसलिए साध्यायाः ऐसा स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग कर रहे हैं। शब्दानुशिष्टि जो साध्या है, ऐसा कह लो शब्दानुशिष्टि साध्याः, या उसको और खोल के देखोगे तो शब्दानुशिष्टि के द्वारा भी कौन साध्य है, शब्दों के अनुशासन के द्वारा कौन साध्य है, शब्द ही तो साध्य है ना। तो शब्दानुशिष्टि जो साध्या है, और व्याकरणस्य साधनस्य, और साधन कौन है, व्याकरण शास्त्र स्वयं ही साधन है, उन दोनों का यह संबंध, जो संबंध है, सब प्रयोजने एवं अंतर्भूत, वह प्रयोजन में ही अंतर्गत समा जाता है। शास्त्र का जो प्रयोजन होगा वही तो उस शास्त्र के द्वारा साध्य भी होगा और शास्त्र उसका साधन होगा। ठीक है, तो जो संबंध होता है वो जब हम शास्त्र का प्रयोजन बताते हैं उसी के अंतर्गत अंतर्भूत हो जाता है, उसी के अंतर्गत गृहित हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर से समझ लीजिए, अब देखो वैसे तो एक बात बोलते ही सारी बातें आ जाती हैं, जैसे ही हमने बोला था शब्दानुशासनम तो हमें पता चल गया कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, शब्दों का अनुशासन करना ग्रंथ का प्रयोजन है। ठीक है, अब प्रतिपाद्य विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय भी यही है, शब्द, शब्द ही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। ठीक है, अब शब्दों में और ग्रंथ में परस्पर संबंध क्या है, शब्दों में और ग्रंथ में माने प्रतिपाद्य विषय में और प्रतिपादक ग्रंथ में संबंध क्या है, तो या तो इसको सीधे सीधे कह दें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, या जैसे इन्होंने प्रयोग किया है साध्य साधन भाव लक्षण संबंध, ऐसा भी कह सकते हैं। अब एक चौथी बात बच गई, कौन, अधिकारी। तो अधिकारी कौन है, जो प्रतिपाद्य विषय को जानना चाहता है वही अधिकारी है, जो शब्दों को जानना चाहता है, शब्दों के साधुत्व को जानना चाहता है, वही कौन है, इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए अधिकारी है। अस्तु।
तो ये चारों चीजों का प्रतिपादन किया गया है। तो न्यासकार ने अथ शब्दानुशासनम पे इतनी सारी बातें कही हैं। आगे उन्होंने अग्रिम पंक्ति का व्याख्यान प्रारंभ कर दिया है, जो मूल काशिका की अंतिम पंक्ति है, क्या केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च, उसका व्याख्यान प्रारंभ कर दिया है। तो वो शुरू करने से पहले हम पद्मंजरीकार के अथ शब्दानुशासनम सूत्र के व्याख्यान को देखेंगे। उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं यहाँ पर, भाष्य से भी ज्यादा, क्योंकि भाष्य को पढ़ करके लिखा है ना, तो पद्मंजरी को तो भाष्य से भी कठिन माना जाता है। तो आपको कहीं पे थोड़ी कठिनता प्रतीत हो तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। भाष्यकार की भाषा बहुत सरल है, छोटे छोटे वाक्य हैं, एक एक विषय को अलग अलग लेकर के चलते हैं वो, और पद्मंजरीकार बहुत सारे विषयों को इकट्ठे कर देते हैं, तो अपेक्षाकृत थोड़ी जटिलता बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे कर लेंगे। वृत्तिकारस्तु प्रयोजन प्रवणत्वात् प्रेक्षावत् प्रवृत्तेः संभवाच्च प्रयोजनस्य भाष्यकारेण पठितं साक्षात् प्रयोजनमाह अथेति। कहते हैं कि देखिए, वृत्तिकारस्तु, वृत्तिकार तो प्रयोजन प्रवणत्वात्, प्रयोजन प्रवण होने से, माने प्रयोजन को कहने की ओर वो झुके हुए हैं, ठीक है, अर्थात उसमें वो कुशल हैं और उनकी प्रवृत्ति भी है वैसी कि वो प्रयोजन को बताना चाहते हैं। तो वृत्तिकारस्तु प्रयोजन प्रवणत्वात् प्रेक्षावत् प्रवृत्तेः, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, देखिए, प्रेक्षावत् प्रवृत्तेः प्रयोजन प्रवणत्वात्, प्रेक्षावान व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो किसकी ओर झुकी हुई होती है, प्रयोजन की ओर झुकी हुई होती है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वो किसी भी कार्य को करने से पहले विचार करता है कि इसका फल क्या होगा। बिना विचारे तो मंदमपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, जो मंद बुद्धि भी होता है वो भी बिना किसी प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं होता है। तो प्रेक्षावत प्रवृत्ति है प्रयोजन प्रवणत्वात्, क्योंकि प्रेक्षावान लोगों की प्रवृत्ति प्रयोजन की ओर प्रवण होती है, प्रयोजन की ओर झुकी हुई होती है, और संभवाच्य प्रयोजनस्य, और प्रयोजन बताना जो है यहाँ संभव भी है, बता भी सकते हैं, इसलिए वृत्तिकार क्या कर रहे हैं, भाष्यकारेण पठितम साक्षात प्रयोजनमाह। वृत्तिकार सीधे ही भाष्यकार के द्वारा पठित साक्षात प्रयोजन को बता देते हैं, ठीक है। पहला ही सूत्र आचार्य ने भाष्यकार के द्वारा जो साक्षात प्रयोजन, देखिए अब यहां से पता चल रहा है कि ये अथ शब्दानुशासनम को पद्मंजरीकार किसका सूत्र मान रहे हैं, किसका वाक्य मान रहे हैं, भाष्य का वाक्य मान रहे हैं, अष्टाध्यायी का भाग नहीं मान रहे हैं, ये प्रयोजन वाक्य मान रहे हैं पद्मंजरीकार, ठीक है। भाष्यकार के द्वारा कहा गया ये साक्षात प्रयोजन को बताने वाला वाक्य है, अस्तु। तो भाष्यकारेण पठितम साक्षात प्रयोजनम आह, भाष्यकार के द्वारा पठित पढ़े गए साक्षात प्रयोजन को कहता है, कौन कहता है, कर्तृपद कौन है, वृत्तिकार, जो प्रारंभ में वृत्तिकार्य था वो आह क्रिया का कर्तृपद है यहाँ पर। वृत्तिकारस्तु आह, वृत्तिकार कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भाष्यकार ने साक्षात प्रयोजन के रूप में वाक्य पढ़ा था उसी को अपने शास्त्र में पढ़ रहे हैं। अथ शब्दानुशासनम, देखिए आगे, अथ इत्ययम् शब्दो अधिकारार्थः, अथ ये शब्द कैसा है, अधिकारार्थ है। अधिकारः प्रस्तावः प्रारंभः, और अधिकार का अभिप्राय क्या होता है, प्रस्ताव या प्रारंभ। तम अथ शब्दो द्योतयति, उसको अथ शब्द क्या करता है, द्योतित करता है। अब यहाँ पे एक नया प्रसंग ले आए हैं यहाँ पे पद्मंजरीकार, उन्होंने चर्चा प्रारंभ कर दी है कि ये जो हमारे पास निपात शब्द होते हैं या अव्यय शब्द होते हैं कई जगह पर, तो ये किसी अर्थ के वाचक होते हैं क्या, या द्योतक होते हैं। वाचक द्योतक शब्द आप लोगों ने सुने कि नहीं सुने, तम अथ शब्दो द्योतयति, अथ शब्द का अर्थ क्या बताया था,
अधिकार अर्थ, अधिकार, प्रस्ताव, प्रारंभ, ये अथ शब्द का अर्थ है। और ये तीनों समानार्थक शब्द ही है ना जो प्रयोग कर रहे हैं, अधिकार, प्रस्ताव, प्रारंभ। तो उसके लिए फिर आगे कहा कि तम अथ शब्दो द्योतयति, वो जो अथ शब्द का अर्थ लिया है ना हमने, क्या अधिकार, उसको अथ शब्द, अथ शब्द उसका द्योतक है। क्या है? द्योतक है, उसका वाचक नहीं है। क्या है? द्योतक है। ठीक है, वाचक और द्योतक में क्या अंतर होगा ये इसी प्रसंग को पढ़ने से आपको स्पष्ट हो जाएगा। सामान्य रूप से अभी द्योतक के लिए ऐसा समझ लीजिए कि जैसे उदाहरण देते हैं प्रायः करके इसके लिए, जैसे एक कक्ष में बहुत सारी वस्तुएं पहले से रखी हैं लेकिन वहां दीपक नहीं है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे ही दीपक वहां लेके जाते हैं तो आपके लिए वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो अब जो वो दीपक लेके गए हैं उसने उन वस्तुओं को बनाया थोड़े है, उसने उनको केवल क्या किया है, प्रकाशित किया है, द्योतित किया है। ये होता है द्योतक का अर्थ। वहां पे जो भी आप दीपक या टॉर्च लेके गए हैं वो क्या है, द्योतक है। ठीक है, तो ऐसे ही अथ शब्द के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अथ शब्द अधिकार अर्थ का क्या है, द्योतक है। तम अथ शब्दो द्योतयति, उस अर्थ को अथ शब्द क्या करता है, द्योतित करता है। अब जैसे आपका 4.1 में जो स्त्रियाम प्रकरण है प्रारंभ में ही, वहां सूत्रों का अर्थ कैसे करते हो? स्त्रियाम के आगे सूत्र क्या है, अजाद्य तष्टा रिन्नेभ्योगीप उगितश्चादि, कोई भी एक सूत्र सरल सा पकड़ लो। जैसे रिन्नेभ्योगीप का क्या अर्थ करते हो आप, ऋकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, आगे क्या बोलते हो, हाँ इस स्त्रियाम को खोलिए जरा, आपने तो सीधे सीधे स्त्रियाम बोल दिया। और आगे स्त्री अभिधेय नहीं बोलते हैं, स्त्री अभिधेय बोलोगे तो गलत पक्ष है, बोलते हैं स्त्रियाम अर्थे वर्तमानाद् ऋकारान्तात् प्रातिपदिकात् नकारान्ताच्च प्रातिपदिकात्। ये आपका कर्तृ शब्द है, ऋकारान्त है ना, तो ये कह रहे हैं कि ये प्रातिपदिक पहले से ही किस अर्थ में वर्तमान है, स्त्री अर्थ में वर्तमान है, स्त्री अर्थ इसके भीतर ही है पहले से ही। तो जो आप गीप प्रत्यय ला रहे हो यही तो अर्थ बोल रहे हैं ना हम, कि स्त्रियाम अर्थे वर्तमानात् ऋकारान्तात् प्रातिपदिकात् गीप प्रत्ययो भवति। ठीक है, स्त्री अर्थ इसी में था पहले से, तो इसने क्या किया आगे, अब ये यहाँ गीप प्रत्यय वाचक नहीं है स्त्री अर्थ का, केवल क्या है, द्योतक है। क्या है, केवल द्योतक है। यद्यपि स्त्री अर्थ इसी के अंदर है लेकिन जैसे वहां पे कमरे में ही पहले सब वस्तुएं हैं लेकिन जब तक टॉर्च नहीं आएगी दिखेगा नहीं, तो ऐसे ही जब तक गीप नहीं आएगा स्त्री अर्थ प्रकाशित होगा नहीं, ये द्योतक है। ठीक है, तो व्याकरण शास्त्र में अभिप्राय के अनुसार, व्याकरण के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्ष स्वीकार किए जाते हैं, कहीं पे प्रत्यय जो है वो द्योतक होते हैं और कहीं पे प्रत्यय वाचक हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको उदाहरण दिया द्योतक का, जहां जहां आप किसी विशेषण को प्रकृति के साथ जोड़ करके कह देते हैं तो वो अर्थ फिर प्रत्यय के द्वारा वाच्य है ऐसा नहीं रहता, वो अर्थ फिर प्रकृति में ही होता है। प्रत्यय आकर के किसी अन्य अर्थ को नहीं कह रहा है, प्रत्यय भी उसी अर्थ में आया है ऐसी आपको प्रतीति हो रही है, तो वहां समझना चाहिए कि वो प्रत्यय उस अर्थ का द्योतक मात्र है, क्योंकि वो अर्थ तो पहले से ही किस में वर्तमान है, प्रकृति में ही वर्तमान है। ठीक है, तो प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, वाचक भी और द्योतक भी। इसी प्रकार से यहाँ पे अथ शब्द के संदर्भ में चर्चा की जा रही है। क्या कहा आचार्य ने कि अथ शब्द का अर्थ है अधिकार, और तम अथ शब्दो द्योतयति, उस अधिकार, तम तम माने कम, तम कम, उस अधिकार रूप अर्थ को। ठीक है, तम अधिकार अर्थम अथ शब्दो द्योतयति, उस अधिकार रूप अर्थ को अथ शब्द क्या करता है, द्योतित करता है। उसका वाच्य नहीं है, उसको कहता नहीं है, उसको केवल क्या करता है, द्योतित करता है। शब्द अनुशासनम इति एतावति उच्यमाने संदेहः स्यात्। कहते हैं कि शब्द अनुशासनम इति एतावति उच्यमाने, इतना ही केवल कहने पर,
एतावती शब्द बताया था ना कहाँ का है, बताना कहाँ का है एतावत शब्दस्य सप्तम्याः एकवचनान्तं पदम् अस्तु। इति एतावति उच्यमाने इतना ही कहे जाने पर संदेह स्यात् संदेह होगा किम शब्दानुशासनं प्रारभ्यते उत श्रूयते इति। शब्दानुशासन शास्त्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं या सुन रहे हैं कि लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी अध्याहार हो सकता है कि शब्दानुशासन को कहीं से कहीं ले जा करके रख रहे हैं, कोई भी तो क्रिया का अध्याहार हो सकता है, तो ये संदेह होगा। अथ शब्दे तु सति क्रियांतर व्यवच्छेदेन प्रस्तुयत इत्येषो अर्थो निश्चीयते। जब वहां पर वाक्य में अथ शब्द पढ़ दिया जाता है तो अथ शब्दे तु सति अर्थात अथ शब्द के होने पर, अथ शब्द के होने पर तो क्या हो जाता है, क्रियांतर व्यवच्छेदेन अन्य क्रियाओं के व्यवच्छेद पूर्वक, अन्य क्रियाओं की निवृत्ति पूर्वक प्रस्तुयते इत्येषो अर्थो निश्चीयते। प्रस्तुयते यही अर्थ वहां पे ले लिया जाता है, यही अर्थ निश्चित हो जाता है। विविक्ताः साधवः शब्दाः प्रकृत्यादि विभागतो जाप्यन्ते येन तशास्त्रमत्र शब्दानुशासनम्। विविक्ताः, विविक्ताः माने पृथक्कृताः, विचिर पृथक भावे होता है ना धातु आपका, कहाँ पढ़ा हुआ है, रुधादि गण में, हाँ रुधादि गण में विचिर पृथक भावे, तो विचिर पृथक भावे से ये शब्द बना हुआ है। विविक्ताः, विविक्ताः माने पृथक्कृताः, पृथक्कृताः साधवः शब्दाः, किससे पृथक किए हुए, असाधु शब्दों से, अपशब्दों से पृथक किए हुए जो साधु शब्द हैं वो प्रकृत्यादि विभाग तो जाप्यन्ते येन, प्रकृत्यादि विभाग के द्वारा जाप्यन्ते येन, जिस शास्त्र के द्वारा ज्ञापित किए जाएं, बताए जाएं, प्रतिपादित किए जाएं, तस् शास्त्रमत्र शब्दानुशासनम्, वो शास्त्र यहाँ क्या है, शब्दानुशासन शास्त्र है। अनुपूर्वो ही शाशिर विविच्य ज्ञापने दृष्टः। अब देखिए यहाँ पे आचार्य ने, जैसे न्यासकार ने अनुशिष्यन्ते सीधे सीधे अर्थ किया था, उसका अर्थ यहाँ पे अनुपूर्वक शाशी का अर्थ बदल दिया आचार्य ने, विविच्य ज्ञापने, ठीक है। जैसे पीछे एक जंग है तत्री का अर्थ किया था ना, तंत्र शब्द का अर्थ करते समय, तत्री वैसे तो कुटुंब धारण अर्थ में है लेकिन तत्री का अर्थ क्या कर दिया था, व्युत्पादन, तंत्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः यत्र, हाँ ऐसे कर दिया था ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी अनुपूर्वक शाशी धातु का अर्थ भिन्न कर दिया। धातु का अर्थ तो आपको पता है, धातु पाठ में क्या पढ़ा है, शाश्व अनुशिष्टो, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि अनुपूर्वक शाशी का अर्थ हो जाएगा विविच्य ज्ञापन, क्या हो जाएगा, विविच्य ज्ञापन। तो इसलिए जैसे ही हम बोलेंगे अनुशिष्यन्ते येन तत् अनुशासनम्, तो अनुशिष्यन्ते को खोलेंगे तो क्या कर दिया उसका अर्थ, विविच्य ज्ञाप्यन्ते शब्दाः येन, ठीक है, विविच्य ज्ञाप्यन्ते शब्दाः येन, अलग करके ज्ञापित किए जा रहे हैं। अब अलग करना दोनों तरह से आप देख सकते हो, अलग करना इस तरह से भी देख सकते हो कि असाधु शब्दों से अलग करके साधु शब्दों को ज्ञापित किया है, और अलग करके माने विभक्त करके ये भी देख सकते हो कि प्रकृति आदि को विभक्त करके जिस शास्त्र के द्वारा बताया जा रहा है वो शास्त्र क्या हो गया, शब्दानुशासनम। ये एक अलग भाव है, शब्दों के बहुत प्रकार के भाव हो सकते हैं, अर्थ ज्ञापन हो सकते हैं। तो पद्मंजरीकार की क्या भावना है यहाँ पे अनुशासनम शब्द के पीछे, कि यहाँ पे अनुपूर्वक शाशी धातु को विविच्य ज्ञापन अर्थ में मान लो, और अनुशिष्यन्ते येन तद् अनुशासनम इसका अर्थ हो जाएगा विविच्य ज्ञाप्यन्ते प्रकृत्यादि विभागतः शब्दाः येन तशास्त्रम शब्दानुशासनम, ठीक है, ठीक हुआ। आगे देखिए, तद्यथा जैसा कि अक्षेत्रविद क्षेत्रविदम ही अप्राट सप्रैति क्षेत्रविदानुशिष्टः इति। तद्यथा जैसे कि अक्षेत्रविद क्षेत्रविदम ही अप्राट, जो अक्षेत्रविद व्यक्ति है
क्षेत्र के संबंध में ना जानने वाला व्यक्ति है, उसने क्षेत्र विदम ही अप्राट, उसने क्षेत्रविद व्यक्ति को पूछा, क्षेत्र को जानने वाले व्यक्ति को पूछा, और सप्रैति क्षेत्र विदानुशिष्टः, फिर वह सप्रैति वो अच्छी प्रकार से जान लेता है और वहां पहुंच जाता है। क्षेत्र विदानुशिष्टः कैसे पहुंच जाता है? क्षेत्रविद व्यक्ति के द्वारा बताया हुआ, उसके द्वारा अनुशासित किया हुआ। इसको और सरल तरीके से समझो कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और जहां जाना है पहुंचना है उस स्थान का आपको ठीक से पता नहीं है, ठीक है? तो वहीं पे रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है आपको जो उसको उस स्थान को अच्छे से जानता है, आप उससे पूछ लेते हैं और उसके द्वारा बताए गए आप, ठीक है, उसके द्वारा उपदिष्ट आप कहाँ पहुंच जाते हैं, उस स्थान पे ठीक ठीक पहुंच जाते हैं। तो उसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तद यथा अक्षेत्रविद क्षेत्रविदम ही अप्राट, अक्षेत्रविद व्यक्ति ने क्षेत्रविद को पूछा क्षेत्र के संदर्भ में, सप्रैति वह अच्छी प्रकार से जान जाता है, ठीक है, और प्रकृष्ट रूप से जान, दोनों अर्थ कर रही हूं मैं यहाँ प्रैति के, क्योंकि इण धातु का गमन अर्थ है, गमन का अर्थ जाना भी होता है, और प्रपूर्वक एति का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ पहुंचना भी होता है। तो वह अच्छी प्रकार से जान जाता है और पहुंच जाता है क्षेत्र विदानुशिष्टः, कैसे, क्षेत्र विद व्यक्ति के द्वारा अनुशिष्ट होकर के जान जाता है और पहुंच जाता है। अब ये पंक्ति यहाँ क्यों लिखी है इसको समझिए। ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो इन्होंने पहली पंक्ति में बात बोली है ना कि अनुपूर्वक शाशी धातु जो है विवच्य ज्ञापने दृष्टः, ठीक है, अनुपूर्वक शाशी धातु का अर्थ क्या भी होता है, विवच्य ज्ञापन होता है। तो कोई पूछ सकता है कि कहीं हमारे वांग्मय में इस अर्थ में इस धातु का प्रयोग हुआ है क्या जो अर्थ आप बता रहे हैं, पूछ सकते हैं ना कि भाई कहीं प्रयोग हो रहा हो तो शास्त्र प्रमाण मिल जाने पे बात और पक्की हो जाती है ना, कि और कोई स्थल दिखा दीजिए जहां पर अनुपूर्वक शाशी धातु का किस अर्थ में प्रयोग हुआ हो, विविच्य ज्ञापन अर्थ में प्रयोग हुआ हो। तो वो स्थल दिखा दिया है कि यहाँ पे अक्षेत्रविद क्षेत्रविदम ही अप्राट सप्रैति क्षेत्रविद अनुशिष्टः, यहाँ पे अनुशिष्टः का अर्थ क्या है, विविच्य ज्ञापने, यही अर्थ है। देखो चाहे इस वाक्य का वही अभिप्राय ले, देखिए एक तो इस वाक्य का बहुत गंभीर अर्थ भी हो सकता है, जो आपका गीता वाला है ना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, वो वाला क्षेत्र भी पकड़ सकते हो आप, ठीक है, और नहीं तो लोक अर्थों में इसको घटाएं तो क्षेत्र माने सामान्य रूप से आपका कोई भी गंतव्य स्थल ले लीजिए, ठीक है, वहां आपको पहुंचना था, आपको रास्ता नहीं पता था, आप असमंजस में थे, इधर जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाएं, मान लो चौराहे पे पहुंच गए हैं। तो अब जो कोई क्षेत्रविद व्यक्ति है जिससे आपने पूछा और उसने आपको बता दिया मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बता दिया मतलब जो गलत रास्ते हैं उनसे अलग करके ठीक रास्ता बता दिया ना, विविच्य ज्ञापने दृष्टः, अनुपूर्वक शाशी का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, अनुशिष्टः माने जो नहीं है रास्ते ठीक उनसे अलग करके आपको ठीक रास्ता बता दिया, विभक्त करके ठीक रास्ता बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाक्य में अनुशिष्टः का अर्थ क्या हो गया, विविच्य ज्ञापनम कृतम, ठीक है, विविच्य ज्ञापितः, ठीक ठीक अगर इसको हम बोलें तो अक्षेत्रविद क्षेत्रविदम ही अप्राट सप्रैति क्षेत्रविदा अनुशिष्टः, क्षेत्रविदा अनुशिष्टः अर्थात क्षेत्रविदा विविच्य ज्ञापितः, ठीक है। और इसी को अगर हम ऐसे लें कि कोई व्यक्ति जो है वो क्षेत्र को नहीं जानता है, आत्मा वाला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ले गीता जी वाला, तो भी वहां पे यही अर्थ रहेगा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करके बता दिया तो उसको पता चल गया, ठीक। चले आगे देखें और दूसरा उदाहरण दिखा रहे हैं इसी संदर्भ में कि संपूषण विदुषानय यो अंजसा अनुशासती, ये एक वैदिक उदाहरण दे दिया है। इस उदाहरण में भी कह रहे हैं पद्मंजरीकार ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर भी अनुपूर्वक शाश धातु का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, विविच्य ज्ञापन अर्थ में प्रयोग हुआ है। हे पूषण सम विदुषा समनय, हे पूषण, पूषण भगवान का ही नाम है, पूषण सूर्य को भी कहते हैं, पोषण करने वाला है चूंकि, इसलिए तो हे पूषण, हे पोषणकर्ता परमाधिदेव, विदुषा समनय, हमको किसी ऐसे विद्वान से मिला दो, ठीक है,
समन्वय अच्छी प्रकार से मिला दो, किसी ऐसे विद्वान के साथ हमारा समागम करा दो, मिला दो हमें। यो अंजसा अनुशास्ती, जो बड़े अंजस स्वभाव से, जो बड़े सहजता से, अनायास ही अनुशास्ती हमें पदार्थों का विभाग करके समझा सके, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य मार्ग है, क्या अकर्तव्य मार्ग है, क्या आत्म है, क्या अनात्म है, ऐसा जो हमारे लिए विविक्त करके बहुत सरलता से, सहजता से हमें ज्ञान करा सके, ऐसे विद्वान से, ऐसे गुरु आचार्य से हमें मिला दो। तो यहाँ पर भी अनुशासति का अर्थ क्या बता रहे हैं, विविच्य ज्ञापनम। ठीक है, तो ये दो उदाहरण जो है पद्मंजलिकार ने अपनी बात को दृढ़ करने के लिए प्रस्तुत कर दिए कि शास्त्र में अन्य स्थलों पर भी हमें अनुपूर्वक शाशी का विविच्य ज्ञापन अर्थ में प्रयोग देखने मिलता है। तो यहाँ पर भी प्रकृत सूत्र में भी अथ शब्दानुशासनम में भी हम अनुपूर्वक शाशी का अर्थ क्या ले सकते हैं, विविच्य ज्ञापनम ये ले सकते हैं। आगे एक पंक्ति और देखिए, ततः करणे ल्युट, ततः उस अनुपूर्वक शाशी धातु से ही क्या कर दिया है, करण में ल्युट प्रत्यय कर दिया है। शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम इति कर्मणि षष्ठ्या समासः, शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम ये समास हो रखा है, कर्मणि षष्ठ्या समासः, कर्म में षष्ठी हुई है यहाँ पे, और कर्म षष्ठी का ये कर्म षष्ठी हुई है और फिर उसका आगे समास है, कर्म षष्ठी के साथ समास है, तृतीय विभक्ति है ये। ठीक है, कर्मणि षष्ठ्या समासः, कर्म में जो षष्ठी है उसके साथ समास हुआ है, माने कर्म में जो षष्ठी तदंत पद के साथ अन्य समर्थ पद का समास हुआ है। अब आगे अग्रिम कक्षा में देखेंगे हम। शांति 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 ही। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः।